नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी कि भाई आप सोलर से सिंगल फेज की मोटर कैसे चला सकते हैं VFD कंट्रोलर के थ्रू। क्योंकि अभी तक तो लोगों को यही विश्वास नहीं है कि भाई VFD कंट्रोलर से सिंगल फेज की मोटर भी चल सकती है। अब उनको पता नहीं कौन गाइड कर रहा है, कहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आम कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग जो ऑलरेडी सोलर की फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी 3-4 दिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से कॉल मुझे आए कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि VFD से सिंगल फेज की मोटर भी चल सकती है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी बात हो रही है सिंगल फेज मोटर की कि क्या हम VFD से सिंगल फेज की मोटर चला सकते हैं। अभी सबसे पहले तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है कि ये सवाल आ कहां से रहा है कि नहीं आप नहीं चला सकते, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। ऐसा इसलिए हो रहा है, एक्चुअल में जितने भी VFD कंट्रोलर हैं वो सभी आपके 3 फेज में होते हैं। कोई भी VFD कंट्रोलर आपका सिंगल फेज में नहीं होता, चाहे वो 415 वोल्ट 3 फेज में हो, चाहे वो 220 वोल्ट 3 फेज में हो। एक्चुअल में VFD की जो वोल्ट है ये होती है 3 फेज की ही वोल्ट होती है एक्चुअल में। लेकिन उसमें पैरामीटर्स चेंज करके आप उससे सिंगल फेज की मोटर रन कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली रन कर सकते हैं। उसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल कुछ पैरामीटर चेंज करने हैं। वो हर कंपनी का अलग पैरामीटर है भाई, किसी भी ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपनी के चेंज कर दिया आप उसके भी कर लोगे, नहीं उसके अलग पैरामीटर हैं। और मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है उसके अलग है, ABC कंपनी है उसके अलग है। तो सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि सबके कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर हैं, अपनी वारंटी जो भी है वो सबका अपना अपना है। तो यही रीज़न है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने एक के पैरामीटर सीख लिए। हाँ, लेकिन आप बेस मान सकते हो उस चीज़ को कि भाई आपने एक फॉर्मूला पता लग गया कि इस फॉर्मूले से ही होगा, तो उस फॉर्मूले के बेस पे आप अगला क्वेश्चन, फिर उससे अगला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। तो आज इस वीडियो में पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंगल फेज की मोटर रन होती है, एक्चुअल में रन होती है। तो मैं कस्टमर की वीडियो आपको दिखाता हूं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हमारी जो चली हुई है 2 HP की मोटर चली हुई है और इसमें पूरा हमारा पानी आ रहा है पूरे 3 इंच का, और ये मोनोब्लॉक पंप है, जमीन के अंदर से ही पानी उठा रहा है। मैं एक और मोटर की प्लेट में आपको दिखा देता हूं। ये मोटर की प्लेट है, ये लूबी कंपनी की मोटर है जो कि हमारी 2 HP की है, 240 वोल्ट ये लेती है, एम्पियर है इसकी 11.5 एम्पियर, ये इसकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ है 11.5 एम्पियर लेती है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आश्चर्य ये हुआ कि मुझे भी इतना नहीं था कि ये 11.5 एम्पियर की मोटर चल जाएगी, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है 11 एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक की मोटर आराम से चलेगी VFD से, लेकिन उससे ऊपर की मोटर को चलाना एक टास्क है। लेकिन इस मोटर में 11.5 एम्पियर लेते हुए भी, और ये हमारी मोटर जो चली हुई है वो क्रोमटन के VFD से चली हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाद में मैं आपको कस्टमर रिव्यू किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो अभी तो मैं कहीं बाहर जा नहीं रहा, तो मैंने कस्टमर से ही मंगाई थी, भाई आप एक बार वीडियो शूट करके भेजो, क्योंकि इस चीज़ की डिमांड आ रही है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं भाई यहाँ सिंगल फेज की मोटर भी VFD से रन होती है, क्योंकि ये खामखा के क्वेश्चन बन गया है मार्केट में। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, इस पे हमने जो पैनल, इस पे जो पैनल लगे हुए हैं वो पैनल लगे हुए हैं, नो पैनल इससे कनेक्ट हुए हैं। और जो इस मोटर की और जो VFD कंट्रोलर की दूरी है वो आपकी है 100 मीटर की कम से कम, यानी कि बहुत दूर VFD है इससे। और ये इसके पैनल लगे हुए हैं, 9 पैनल इस पर अटैच किए हुए हैं, और ये जो एक पैनल है ये हिमालयन कंपनी का है जो कि हमारा 320 वोट का पैनल है। 320 वोट के पैनल की आपको पता ही है लगभग 45 VOC होती है, ऑलमोस्ट 8 एम्पियर वो देता है, ये एक एवरेज सी उसकी कंडीशन है। तो ये 9 पैनल इससे अटैच किए हुए हैं, 9 पैनल से हमारी ये सिंगल फेज की मोटर चल रही है। 9 पैनल इससे अटैच करने के बाद बीच में इसमें VFD है, और ये सिंगल फेज की मोटर है 11.5 एम्पियर ले रही है, और 240 वोल्ट की है, 220 भी नहीं है, वोल्ट भी इसकी एक्स्ट्रा है, तब भी 3 इंच का पानी पूरा दे रही है। तो आइए एक बार हम VFD को और देख लेते हैं। ये VFD इससे लगा हुआ है, ये VFD कंट्रोलर है, ये VFD कंट्रोलर वही है जो मैंने अभी पिछले कुछ वीडियो में दिखाया था जो न्यू लॉन्चिंग हुई थी क्रोमटन की। तो ये न्यू लॉन्चिंग वाला VFD कंट्रोलर है 3 HP वाला। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स चेंज करके उससे ये सिंगल फेज की मोटर आपकी रन हो रही है। तो भाई अगर आप सिंगल फेज की मोटर रन करना चाहते हैं तो इजीली रन हो सकती है, लेकिन मैंने कंडीशन वही थी कि भाई अगर 10 एम्पियर तक ले तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ऊपर की मोटर को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो मोटर है पानी थोड़ा ऊपर है तो उस वजह से पानी बहुत आ रहा है, कम एम्पियरिंग में भी अच्छा पानी ये मोटर दे रही है। मोटर पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ये जैसे लूबी ब्रांड की है, तो लूबी एक अच्छा ब्रांड है,
मोटर के मामले में क्रोमटन है, लूबी है, सीआरआई है, हैवल्स है, किर्लोस्कर है, तो ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनकी मतलब मोटर बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर उनकी जो एम्पियरिंग लिखी हुई है भले ही उससे कम ले लें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर नई मोटर है, सही कंडीशन है, वो पुरानी के साथ साथ वो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो अच्छे ब्रांड की अगर मोटर है, भले ही वो 2 HP की क्यों ना हो, और ये 9 पैनल से रन हो रही है, और यही मोटर सेम आपके 8 पैनल से भी रन हो जाएगी, लेकिन हमने इसमें 9 पैनल रखे थे क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। वहाँ पर इनका प्रोजेक्ट लगा हुआ था कोई 5 HP का, 5 HP का ये प्रोजेक्ट लगा हुआ था जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया। तो वहाँ ये 3 फेज की मोटर चला रहे थे, तो इनकी इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। वो गवर्नमेंट से इन्हें लगवाया था कि सर हमें सिंगल फेज की चलानी है, हमारे पास मोटर भी है, हमारा उससे काम चल जाएगा। तो फिर इनकी ये सिंगल फेज की सेटिंग हमने करके दी, वहाँ मेरे डीलर हैं, वहाँ उनसे हिसार की ये वीडियो है, तो वहाँ उनसे मैंने बात की, फिर उन्होंने वहाँ पर ये सेट किया, तो उनकी मोटर आराम से चल रही है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई सिंगल फेज की मोटर सोलर से नहीं चल सकती। सिंगल फेज की मोटर बिल्कुल चल सकती है सोलर से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने पैनल लगेंगे, कौन सा VFD लगेगा, कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज होंगे, तब जाकर आपकी सिंगल फेज की मोटर चलेगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, चाहे VFD कंट्रोलर या अन्य कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर आपको बिल्कुल खरीदना है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसमें एक बात और बता दूं, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें पैरामीटर्स की सेटिंग दे दीजिए। तो भाई पैरामीटर की सेटिंग हम प्राइवेटली तो नहीं दे सकते, मतलब प्राइवेटली का मतलब है कि पब्लिकली हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे कंपनी की तरफ से ये चीज़ नहीं होती कि आप उसको बताओ। लेकिन हमने एक कोर्स निकाला है, अभी जल्द ही कोर्स आने वाला है, तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने क्रोमटन के जितने भी पैरामीटर हैं, आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मैनेज करनी है, मोटर की RPM कैसे मैनेज कर सकते हो, वॉल्यूम बटन से फ्रीक्वेंसी कैसे घटा बढ़ा सकते हो, सिंगल फेज की मोटर कैसे चला सकते हो 3 फेज वाले से, तो सारी चीज़ें जो भी बेसिक है, जो भी मतलब बेसिक्स है, वैसे तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन एक ऑलमोस्ट एक बेसिक्स फॉर्मूले उसमें हमने डाल रखे हैं। तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर उसमें कुछ भी अधूरा रहता है तो नेक्स्ट टाइम अगर उसके अंदर कोई वीडियो बनती है तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो भाई ये थी आज की वीडियो से संबंधित, अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।